अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुरान मजीद के तफसीर और तर्जमे का सिलसिला जो तकरीबन आज से दो तीन महीने पहले शुरू किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोगों की सूरह बकरा कंप्लीट हो गई है। इस मौके पर मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा हमारी कंप्लीट करवा दी। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये खुशी का मौका है, ये वाकई में इतनी खुशी का मौका है कि हम और आप अगर लड्डू बंटवाएं ना तो ये भी कम है। लेकिन चूँकि हम लोग दीन को पहचानते नहीं हैं, दीन को समझते नहीं हैं, दीन की अहमियत हमारे दिलों में नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक छोटे से बच्चे को आप एक रुपया दें और 500 का 2000 का नोट पकड़ाएं तो बच्चा एक रुपया लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि उसको 1000, 2000, 500, 200 रुपये के नोट की वैल्यू नहीं पता, उसको एक रुपये की कदर है। ऐसे ही हम और आप जो है ना, इस वक्त दुनिया में मगन हैं, दीन की अहमियत और दीन कितना अहम है हमारे लिए इसका अंदाज़ा हमें नहीं है। इसीलिए हमें, मान लीजिए दीन की कोई चीज़ हमें मिल जाए या दीन की हम कोई चीज़ सीख लें तो उसकी हमें वैसे खुशी नहीं होती जैसे दुनिया की कोई चीज़ मिलने पर खुशी होती है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये अल्लाह का फ़ज़ल और उसका इनाम है कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा हमारी कंप्लीट करवा ली। इस मौके पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, सजदे शुक्र करें, है ना। और अब इंशाल्लाह कल से हमारी सूरह आले इमरान शुरू होगी, उसके बारे में इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सूरह आले इमरान की फ़जीलत, सूरह आले इमरान के बारे में कुछ बातें। अगर आपने भी सूरह बकरा की तफसीर और तर्जुमे को नहीं पढ़ा है और आप पढ़ना चाहते हैं आसान अंदाज में, तो आपको रोज़ाना 10 से 15 मिनट निकालना है। एक रुकू मैं रोज़ाना पढ़ाता हूँ और एक रुकू का हम सबसे पहले तफसीर समझते हैं, फिर उसके बाद लफ्ज़ी तर्जुमा समझते हैं। इसीलिए पूरी सूरह बकरा का तर्जुमा और तफसीर आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और इंशाल्लाह हम धीरे धीरे एक साल दो साल के अंदर, है ना, जब भी एक एक रुकू रोज़ाना पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह दो ढाई साल लगेंगे, पूरे कुरान मजीद का तफसीर और तर्जुमा इंशाल्लाह हम सब लोग पढ़ लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से तर्जुमा तफसीर की जो क्लासेज़ आप लोगों को मिल रही हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोगों के कमेंट से जो है ना मुझे समझ आता है कि हाँ भाई, मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें कहाँ कमियाँ रह रही हैं, कौन सी चीज़ आपको समझाने में मैं नाकाम हो रहा हूँ। तो आप लोगों के कमेंट से वो चीज़ें और अच्छे से आप लोगों के सामने पेश हो सकती हैं। तो इस क्लिप को शेयर करें, घर पे सबको दिखाएं और तर्जुमे और तफसीर पाबंदी के साथ देखने का मामूल बनाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हमारे अतर कैसे हैं, कैसी फ्रेग्रेंस है, ये चीज़ आपको वो लोग बताने वाले हैं जिन्होंने हमारे अतर्स को बाय किया और यूज किया। तो आइए देखते हैं। हमने ये ऑर्डर किया हुआ था एम कश्मीर परफ्यूम, माशाल्लाह इसका पैकिंग बहुत अच्छा है और इसका फ्रेग्रेंस जो है वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू, आप भी इसको बाय करें और यूज करिए। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, माशाल्लाह जो है आपकी भेजी हुई इत्र मिल गई, खुशबू माशाल्लाह, खुशबू जो है बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अभी तक जितना भी मैंने अलग अलग ब्रांड के अतर इस्तेमाल किए हैं, जिसमें से अभी फ़िलहाल मैंने एम कश्मीर का वाइट सनाया मंगाया है जिसकी खुशबू बहुत ही लाइट और लॉन्ग लास्टिंग है। तो भाई, ये वो लोग थे जिन्होंने वीडियोस बनाकर बताया और दोस्तों काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज कर हमें बताया। ये देखिए, तो अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हो तो अभी इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, मैंने आप लोगों के लिए डिलीवरी बिल्कुल फ्री कर दी है। तो जल्दी से आ जाओ, ऑर्डर करो, ट्राई करो।